हेलो, मैं हूँ खुर्रम मलिक और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पर, जिसका उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2015 में दीघा सोनपुर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था और बिहार को दीघा सोनपुर ब्रिज की सौगात मिली थी। उसी से ये एक एलिवेटेड रोड है, जिसे हम पहुंच पथ भी कह सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ ये एक रोड है जो सीधा दीघा से एम्स जाके गिरेगा, यानी कि दीघा में जब हम पुल पर चढ़ेंगे तो सीधा वहाँ से डायरेक्ट पटना का जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ जाकर लोग अपनी गाड़ियों को उतारेंगे और वहाँ पर वो उतर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार का ये सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है, जिससे जिसका बिहार वासियों को बहुत अरसे से इंतज़ार था और आज ये इंतज़ार जाकर ख़त्म हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की तादाद है। यहाँ पर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने आज इस पुल का उद्घाटन किया है। साथ में श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत भारत सरकार थे, और इसके साथ रेणु देवी थी, जो अभी बिहार की इस बार उप मुख्यमंत्री हुई हैं। इसके साथ ही मंगल पांडे थे, जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं, राम कृपाल यादव हैं और संजीव चौरसिया हैं और रीतलाल यादव हैं। कई सारे मंत्रीगण यहाँ पर आज आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन किया था। बिहारियों के लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से सौगात। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस पुल के बन जाने से उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, आप इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर दीघा में रहते हैं। तो यहाँ किस लिए आए थे? अच्छा, ऐसे दिखने आए थे पुल पुल देखने आए थे। उद्घाटन तो क्या आया, मतलब ये पुल का इंतज़ार तो काफ़ी बरसों से था। बहुत दिन से था, बरसों से था। आगे कैमरा सामने बहुत है। बहुत वर्षों से था। जी हाँ, तो क्या लगता है इस पुल के बन जाने से आपको बहुत क्या? बहुत सुविधा है यहाँ से उधर, औरंगाबाद, अरवल, इधर इधर मैं दीघा, इधर कैंसर हॉस्पिटल, एम्स, सबरों जाने में सुविधा है। छपरा 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 तरफ जाने में सब सुविधा है। मतलब ये है कि शशि रंजन जी हैं जो गैमोन इंडिया में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और कहीं ना कहीं स्कूल के बनने में इनका खासा योगदान रहा है। इनसे हम स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे। सर, इसके बारे में कुछ ब्रीफिंग दीजिए स्कूल के बारे में। स्कूल का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था और कुल लागत 1290 करोड़ की है और बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि देश का ये 7वां सबसे लंबा पुल है। और इसमें एक बड़ी खास बात है कि जो रेलवे के ऊपर जो स्पैन है, देश का पहला इतना लंबा 106 मीटर आरओबी का स्पैन है, जो बिहार में पटना में ये है स्कूल का पार्क है। और सबसे स्टार्टिंग में जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे, तो दिल्ली रोड के ऊपर जो अभी फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, वो पहले नीचे से प्लान था। तो उन्होंने अपनी परिकल्पना रखी कि इसको ऐसे होना चाहिए और ग्यामन ने उसको पूरी तरीके से समझा और उसको आज उनके सपने को साकार किया, जो उन्होंने कहीं चाइना या सिंगापुर में देखा था। यूए दिल्ली रोड के ऊपर से जाना चाहिए और आज आपके सामने है ये इस पुल के क्या का उद्घाटन तो आज हुआ है, लेकिन इसके बनने की शुरुआत कब हुई थी? आधारशिला कब रखी गई? आधारशिला 2013 में इसकी रखी गई थी। दिसंबर 2013 से हम लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया था और 2018 में ये पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन वो खगौल के ऊपर जो रेल ओवरब्रिज है, वो एक्चुअली देश का पहला था, इसकी वजह से थोड़ी तकनीकी परेशानियाँ थी, रेलवे से अप्रूवल में ये परेशानी थी, बट रेलवे ने भी पूरा सहयोग किया और उस कारण से सिर्फ रेलवे वाले पोर्शन में के लिए तो क्या ये पुल दोनों तरफ स्टार्ट हो गया है या अभी टू लेन स्टार्ट हुआ? नहीं नहीं, दोनों तरफ पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि आज उद्घाटन का कार्यक्रम था इस वजह से, लेकिन अभी ट्रैफिक और अभी फिलहाल इस पर दोनों तरफ से सुचारू रूप से इस पर ट्रैफिक का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पुल को बनने 2013 में शुरू हुआ था और अभी 2020 का ये नवंबर चल रहा है, तो यानी 7 साल का जो अरसा रहा है। एक सवाल बार बार आता है कि बिहार में
कोई भी जो परियोजना होती है, खास तौर से ब्रिजेस हैं, पुल हैं या रोड है, उसमें खासा वक्त लगता है, इसके पीछे क्या कारण? हाँ, उसका मैं कारण आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कहीं कोई देर नहीं हुई है। इसका जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ये जो आप यही सेक्टर की कनेक्टिविटी देख रहे हैं वो इसका पार्ट नहीं था। वैली रोड जो ऊपर से जा रहा है वो उसका पार्ट नहीं था। जो नीचे का रोड जो बना हुआ है, जो आप स्कूल के बराबर में, जो कनाल के बराबर में, उसका पार्ट नहीं था। वो सारी चीज़ें इसका पार्ट बनी, बस वही रीज़न था। और जो रेलवे का जो नहीं, तो कहीं कोई डिले नहीं। जब आप 700 करोड़ 800 करोड़ से शुरू हुआ, वो 1200 करोड़ चला गया, उस जो अमाउंट बढ़ा उसके लिए जो टाइम लगा, बस वही टाइम, बाकी ये समय से पहले पूरा। तो ये कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ एंड है? इसकी शुरुआत हुई है एम्स पॉइंट से, एम्स से शुरू होती है, टोटल वहाँ से जीरो है। और ये यूपी सेतु की कनेक्टिविटी में 12 किलोमीटर यूपी सेतु जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पर एंड होता है। इसका बीच में कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और उनका एक प्लान चल रहा है कि डेली रोड की ट्रैफिक को इस पर कनेक्ट करने के लिए, और जो सोनपुर से लोग आ रहे हैं नॉर्थ बिहार से, तो पाटलिपुत्रा स्टेशन से कनेक्ट होते हैं, उससे एक रैंप हटाने की बात चल रही है। इनिशियल स्टेज है, वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी आर होपफुल कि ये सौगात भी एक सवा साल के अंदर में पटना की जनता को मिल जाए। कहा जा सकता है कि गंगा पार के जो लोग हैं उनको पटना आने में दिक्कत का सामना? बिल्कुल नहीं, जेपी सेतु तो था ही, और पटना के नॉर्थ छोर से अगर डायरेक्ट जाना है साउथ छोर पर, तो ये पुल सबसे अच्छा माध्यम है। इतना लंबा पटना में कहीं नहीं कनेक्ट किया, तो बिना किसी ट्रैफिक डिस्टर्बेंस के बोले जा सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ शशि रंजन जी थे, जिनका कहना है कि इस पुल के शुरू होने से अब जो है लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं, और ये बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बताया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का काम जो है वो आगे भी बिहार में होता रहे और लोगों को फ़ायदे मिलते रहें।